जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक युवक पे आरोप लगाया था कि ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के स्टूडेंट एसोसिएशन जो ISO जिसको बोला जाता है उसका एक पदाधिकारी है और निशान सिंह जी की गाड़ी के ऊपर पथराव करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन इस पे एक वीडियो जो है वो जारी किया गया है उसी युवक के द्वारा, रमन ढाका उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अगर पत्थरबाजी की है तो उसका भी वीडियो उनके पास होना चाहिए, होगा तो वो वीडियो जो है वो जनता के सामने लेकर के आए जिससे कि पता लग सके कि वो झूठे आरोप लगा रहे हैं या फिर वाकई में इसमें सच्चाई है। युवक का कहना है कि वो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी का विरोध जरूर किया था, उन्होंने नारेबाजी की थी, उनको काले झंडे दिखाए थे, उनका विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन कहीं पर भी पत्थरबाजी जो है वो नहीं की गई। ऐसे में दिग्विजय चौटाला ने उन पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। इस विषय में दिग्विजय चौटाला ने आरोप जो है उन पे क्या लगाए थे वो सुनिए जरा। कि ये लोग स्पॉन्सर्ड लोग हैं, कल निशान सिंह जी का विरोध किया, वो लोग कौन थे? किसान नेता जो एक रोड शो कर रहे थे उनके साथ पीछे गाड़ियां थी। मैंने वो एक फोटो मेरे सामने आई जिसको मैं आज आप लोगों से साझा करूंगा। ये लड़का हमारे साथ INSO में हुआ करता था, जो आज के दिन ISO का प्रदेश का सेक्रेटरी है। इसने पत्थर मारे निशान सिंह जी की गाड़ी पर। एहलाबाद हलके का नहीं है, जितनी भी भीड़ थी, ये जो कल दो रैलियां हुई हैं जिसमें तमाम बड़ी बड़ी बातें कर करके गए हैं, उसमें आप उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमने करवाई है माइन्यूटली। कल तक वो सारी बातें लेके मैं आपके सामने आऊंगा। 90% इंडियन नेशनल लोकदल के स्पॉन्सर्ड पदाधिकारी वहां पर गए। तो अभी आपने सुना कि दिग्विजय चौटाला एक वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं, फोटो भी दिखा रहे हैं, वो फोटो मैंने आपको साथ के साथ में दिखा भी रहा हूँ, ये फोटो है, और इसी युवक ने जो है वो वीडियो जारी किया है। तो युवक का जवाब जो है वो इस पे क्या है वो भी सुनिए जरा। जय मजदूर किसान साथियों, मैं एडवोकेट रमन ढाका, आज मुझ पर जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर पत्थरबाजी करने के झूठे आरोप लगाए हैं। मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताना चाहूंगा। कल एलनाबाद में किसान महापंचायत थी और मैं एक किसान होने के नाते, जो खुद पिछले 11 महीनों से मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं और दिल्ली धरने पर मैं अनेकों रातें अनेकों दिन मैं वहां पर रुका हुआ हूं और आंदोलन में मैं लगातार सक्रिय हूं। हम टिकेत जी के साथ एलनाबाद महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे। वहां पर मैणाखेड़ा गांव में उनके प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी की गाड़ी निकल रही थी और वहां पे जाम में किसानों ने उनका काले झंडे दिखाकर विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहां पर किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई और उस आधार पर उन्होंने आज मुझ पर झूठे पत्थरबाजी के आरोप लगाए। मैं उनको दो बातें स्पष्ट कर देना चाहूंगा। किसान अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से लड़ रहा है, किसान कभी हिंसक नहीं हुआ। और रही बात विरोध करने की, जब तक इन काले कानूनों की वापसी नहीं होगी, भाजपा जजपा सरकार का विरोध जारी रहेगा और किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ता रहेगा। मैं अपनी बता देना चाहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं और आंदोलन जो हमारी फसल और नस्ल की लड़ाई है, उसमें जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और जो राजनीतिक लोगों का आंदोलन बताने की जो बात की है, मैं उसमें बता देना चाहूंगा, भारत की आजादी की लड़ाई से लेकर JP मूवमेंट से लेकर कोई भी आंदोलन, सब आंदोलनों में संगठनों के, राजनीतिक दलों के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है और अपने हकों की और देश की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। तो जो किसान या किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वैसे अगर बात करें तो इस देश का हर नागरिक राजनीतिक आदमी है, क्योंकि हर नागरिक अपना वोट डालता है, तो वोट डालने के साथ ही वो किसी ना किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ जाता है। तो मैं उनसे दोबारा कहना चाहूंगा, अगर उनके पास कोई वीडियो क्लिप जिसमें वो ये साबित करें भी मैंने कहां पत्थरबाजी की है, कहां पत्थर उठाए हैं, आप स्वयं किसानों के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, काले कानूनों को बनाने वाली भाजपा सरकार के साथ आप सत्ता में बैठे हैं और आप ताऊ देवीलाल जी के नाम पर राजनीति करते हैं। खुद ताऊ जी, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाइयां लड़ी और सत्ता में रहते हुए किसानों के लिए बड़े कल्याणकारी कार्य किए गए, तो हम भी ताऊ देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए इस किसानी लड़ाई में किसान हकों को, मजदूरों के हकों को लड़ते हुए हासिल करने का काम करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद।